राइट टू हेल्थ बिल पर विधानसभा में क्या हो पाएगी हेल्दी बहस? भाजपा ने बनाई विरोध की रणनीति, कांग्रेस ने कहा हम बिल लाकर रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस सत्र में सरकार 4 माह पहले प्रवर समिति को भेजे गए राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएगी। भाजपा ने इस बिल के विरोध में रणनीति तैयार की है। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर कालीचरण सराफ इस बिल को आधा अधूरा और डॉक्टरों का विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने कहा गांव-गांव में इमरजेंसी इलाज के नाम पर पंच प्रधान डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन को ब्लैकमेल करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा कहते हैं कि हम जनहित के लिए बिल ला रहे हैं, जनता को ये पसंद है तो विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार CM ने बड़ा दिल किया और विपक्ष की बात मान ली थी, इस बार हम बिल लाकर रहेंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बावजूद इसके हमने प्रवर समिति बनाई, समिति को सभी पक्षों को सुनने के लिए बनाया गया था। सरकार का गठन डॉक्टरों से नहीं होता, जनता मैंडेट देती है। कांग्रेस जनता को कानून लाकर अधिकार देना चाहती है। राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सभी अपने उद्बोधन में कह चुके हैं कि उन्होंने कानून के जरिए लोगों को अधिकार दिए हैं, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो या राइट टू फूड सिक्योरिटी। ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीव योजना। IPD OPD फ्री, CT scan MRI सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, RTI दिया, RTE दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो पर वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। राइट टू हेल्थ बिल भी, जनता को कानूनी अधिकार देना कांग्रेस का संकल्प है। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सैयद हबीब, जयपुर।